सुबह उठ के अचानक से प्लानिंग हुआ कि स्विमिंग पूल में जाएंगे कोलकाता के एक्वाटिका में। तो जल्दी जल्दी उठ के खाना बना रहे थे, खाना वाना खा के रेडी होके निकल पड़े। रास्ते पे तो ठीक था, लेकिन आधा रास्ते पे जाने के बाद इतना बारिश हो रहे थे तो और क्या बताओ। हम लोग सोच रहे थे कि बारिश में नहाएंगे कि स्विमिंग पूल में नहाएंगे। फाइनली पहुँच गए, इतना बारिश हो रहा था उस बारिश में। इसमें जो मेनू था उसमें मेनू में जिसको लॉकर लेना है, कपड़ा लेना है, वो ले सकते हैं, प्राइजेस लिखा है। साथ में एक शॉपिंग मॉल भी है जहाँ से मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा पहनने के लिए, लेकिन एक टॉप ख़रीदा सिर्फ मैं, वो नॉर्मल पहनने के लिए, बाद में वीडियो में दिखाऊंगी। फिर निकल गए यहीं पे, मैं वीडियो बना रही थी, रील्स बना रही थी। इसमें फिर लगेज वगैरह चेकिंग करता है, मेरा हर एक वीडियो में ये आगे रह गई कि मैं वीडियो करते करते आराम से जाऊंगी, ये हमेशा जल्दी जल्दी में पहले पहले जाएगा, तो हर एक वीडियो में ये आएगा ही आपको नज़र में। ये और एक पीछे से वीडियो बना रहा था मेरा, देखो कितना बारिश होके रखा है। ये जो फ़ोटो क्लिक करने के बैठने का जगह है, ये सोफ़ा वगैरह हर एक चीज़ भीगा हुआ है, ना बैठ नहीं सकते ना कुछ कर सकते। मैं तो गलती से ना जेंट्स टॉयलेट में चले गए थे, फिर टॉयलेट करके निकल ही रही थी कि एक भैया ने बोला ये जेंट्स टॉयलेट है, यहाँ से निकल जाओ, तो बाद में जल्दी जल्दी करके निकल गई थी। पूरा फ्लोर में पानी पानी होकर रखा है, लेकिन लास्ट में हम लोग ये स्लाइडिंग में गए थे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं डर को काबू पाने के लिए मैं गई थी। इतना बारिश हो रहा है कि क्या बताऊँ, इतना गंदा पानी चारों तरफ है। वो टाइम लगेगा अभी, टाइम आ गया। स्विमिंग पूल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, नेक्स्ट टाइम जरूर जाऊंगी मैं। आते आते हम निकलते निकलते हम लोगों का 5-6 बज गया, लेकिन फ़ोन हम लोग सब फ़ोन ठीक कर रहे थे वाइब्रेट के। नहीं करूंगी बोल के ये स्लाइडिंग मैंने किया, लेकिन इतना डर लगा बाद में, और लास्ट में मैं गिरने के टाइम डूब गई थी, पानी भी पी लिया मैंने, सब कोई हंस रहा था मेरे ऊपर। मेरा पीछे वाला जल गया।